कैप्टन माय कैप्टन अमेरिका वाला नहीं। हाँ तो गाइस द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का फिनाले आके चला गया, तो अब लाइफ में वैसे तो कुछ बचा नहीं है करने के लिए सिवाय एक चीज के, इसका रिव्यू बनाने के। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, मैं हूँ सुमित एंड यू आर वाचिंग गीक अड्डा वेयर वी टॉक अबाउट मूवीज शोज एंड व्हाट एवर द फक वी वांट। टेंशन नहीं लेनी, वीडियोस बन नहीं रही मुझसे लेकिन बोलने में जाता क्या है। Anyways, the Falcon and the Winter Soldier just wrapped up and to be honest, I'm not able to process ki how should I feel about it. Guys, there will be full spoilers in this review, so if you haven't watched the show, I recommend you stop watching this right now and come back when you've seen it. Jab Marvel ne announce kiya tha na ki ab wo TV shows bhi leke aayega that will be directly connected to the MCU movie universe, to main bahut khush hua tha, matlab had khush. Cause I know ki movie se kahi zyada better level ki storytelling shows mein dikha sakte hain. क्योंकि टाइम होता है ना, अब तुम्हारे पास 3 घंटे नहीं 6, 7, 8 घंटे हैं, दिखाओ कितनी डिटेलिंग दिखा सकते हो। बट वांडा और फैल्कन विंटर सोल्जर को देख के लग नहीं रहा कि एमसीयू के रनर्स को सीरीज फॉर्मेट ज़्यादा सूट कर रहा है, वो एमसीयू की मूवीज वाला मैजिक आ नहीं पा रहा शोज में। वांडा विजन हैड सम बिग इश्यूज, इट वॉज अप एंड डाउन द होल सीरीज, बट दैट फिनाले वॉज जस्ट बैड, मतलब पूरी खिचड़ी बना दी थी और बस कुछ भी दिखा रहे थे। द फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के बारे में मैं ये नहीं बोलूंगा कि फिनाले बेकार था, बट इट सर्टनली वॉजेंट एज गुड एज एक्सपेक्टेड, ऑलमोस्ट खिचड़ी बन ही गई थी यहाँ पे भी। ये शो भी अप एंड डाउन रहा है स्टार्टिंग से, देर वर सम थिंग्स दैट आई लाइक्ड लाइक द होल जीमो डांस रूटीन, यू कैन से दैट इट वॉज द हाईलाइट ऑफ द शो, बट सीरियसली जीमो एंड हिज आर्क वॉज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो एंड उसकी एंडिंग भी फिनाले में बहुत सही हुई है। आई लाइक द जॉन वॉकर आर्क एंड आई रियली लाइक द वर्क डन बाय वाइट रसल एज द बैड कैप्टन अमेरिका, बट उस कैरेक्टर की डेवलपमेंट को भी थोड़ा बिगाड़ दिया था फिनाले में, जिसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। द मेन लीड्स, देयर केमिस्ट्री एंड देयर स्टोरी लाइन्स वर गुड, आई वोंट से इट वॉज ग्रेट, मतलब फैल्कन या विंटर सोल्जर में से किसी की भी आर्क को देख कर मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई कि भाई मजा आ गया। I know there was a lot of substance behind it, especially with Falcon and the whole Black Captain America debate that the show was projecting. I know it is heavy stuff and it is important stuff when it comes to our society, especially the Western society. I loved the Isaiah arc and my favorite moment from the finale was when Sam takes him to that museum. But jitna impactful way mein ye racial narrative push ho sakta tha, utna hua nahi. The reveal of Sam as Captain America was great and I really liked his suit and his appearance. But some of that imagery and the dialogues were so cringe that वो नाक पे लग रहे थे। Like there is this scene where people are watching Sam fight the bad guys and one guy in the crowd says, "Hey, look, it's Black Falcon," and then the other person says, "No, that's Captain America." Tan tan. अबे ठीक है भाई, समझ गए। अब क्या हमारा पूरा मुंह ही रगड़ दोगे इस प्लॉट में? There is a thing called subtlety. Subtle way में अपना पॉइंट रखो यार। अगर ये CW के लेवल का शो होता ना, तो जो क्रिएटिव डिसीजन इन्होंने लिए थे ना फिनाले में, उनको मैं थोड़ा नज़रअंदाज कर सकता था। बट डूड, दिस इज द फ्रीकिंग MCU, यू आर द सेम स्टूडियो दैट ब्रॉट अस अ मूवी दैट वॉज कनेक्टेड टू लाइक 22 अदर मूवीज एंड हैड टू कंक्लूड द आर्क्स ऑफ लाइक 1000 कैरेक्टर्स एंड यू डिड दैट परफेक्टली इन अ 3 आवर मूवी एंड यहाँ पे तुमसे ये इतू सा प्लॉट भी 6 एपिसोड्स में कंट्रोल नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा मैंने कहा, फिनाले ऑलमोस्ट खिचड़ी बन ही गया था। दे क्रैम्ड अप सो मच स्टफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिनाले कि मुझे लगा भाई जब तुम्हें इतना सब कुछ दिखाना था तो पिछले एपिसोड में वो सैम का रॉकी वाला मोन्टाज क्यों दिखा रहे थे 10 मिनट तक। बाकी के आधे घंटे उस एपिसोड में बकी और सैम घर घर खेल रहे थे उस बोर्ड के ऊपर। हाँ भाई वो सीन अच्छे थे, अच्छे भी लगे मुझे, बट यार जब फिनाले के प्लॉट का रायता समेटा नहीं जा रहा था तुमसे, तो थोड़ा रायता एपिसोड 5 में परोस देते। सैम की ट्रेनिंग देख के क्या मिल गया हमको, इससे अच्छा वो पावर ब्रोकर वाला प्लॉट समझा देते ठीक से। भाई क्या प्लॉट था वो भी, मतलब एवरीवन न्यू कि एंड में शेरन ही निकलेगी पावर ब्रोकर, बट इतना बेकार उस प्लॉट का सिग्निफिकेंस था, लिटरली जीरो, इट हैड लाइक नो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द स्टोरी, इट वॉज जस्ट बैडली रिटन। वो पूरा माधवीपुर वाला प्लॉट ही बेकार था,
शैरन कार्टर जो अभी तक एमसीयू में एक अच्छी एजेंट थी, जिसने कैप की कितनी बार मदद की, ऑलमोस्ट उसकी बंदी बन गई थी भाई वो, और अब वो सडनली एक मेड अप कंट्री में क्राइम ओवरलॉर्ड बन गई है जिससे बस अपना एम्पायर बनाना है, और उसके पास सुपर सोल्जर सीरम भी आ गई है जो उसने फ्लैग स्मैशर्स को दे दी। मतलब कुछ भी, लिटरली कुछ भी प्लॉट है भाई। दिस इज कॉल्ड बैड राइटिंग। हमें कुछ दिखाया नहीं गया कि शैरन कार्टर के साथ हुआ क्या, हमने बस उसके मुंह से सुना कि यूएस गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ गई, उसको क्रिमिनल घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका और फैल्कन को उनकी कॉस्ट्यूम्स लौटा दी थी, इसलिए वो क्रिमिनल बन गई। ओके। और फिर वो माधरीपुर भाग गई और वहां जाके उसने गुस्से में आके वहां का पूरा अंडरवर्ल्ड अपने अंडर कर लिया। सही है, मतलब कुछ भी। एंड इस आर्क का कुछ पे बैक भी नहीं मिलता फिनाले में। आई मीन इफ नाउ आई गो बैक एंड वॉच कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और सिविल वॉर एंड आई सी शैरन कार्टर इन दोज मूवीज, आई विल फील बैड फॉर हर। आई विल बी लाइक, तेरे कैरेक्टर की तो माँ बहने को होने वाली है। जॉन वॉकर्स आर्क इन द फिनाले ऑल्सो टुक एन एब्रप्ट बैडली रिटन टर्न। फ्रॉम लास्ट 5 एपिसोड्स वी सॉ द बिल्डअप ऑफ दिस कैरेक्टर की हाँ ही इज गेटिंग साइकोटिक एंड ही इज लूजिंग इट इन हिज हेड एंड वी ऑल एक्सपेक्टेड ही विल एंड अप डूइंग समथिंग बैड इन द फिनाले। भाई देखो, कॉमिक्स मैंने भी पढ़ी हैं एंड आई एम फेमिलियर विद यूएस एजेंट आर्क। आई नो कि ही इज़ एन एंटी हीरो नॉट अ विलन, इसलिए मुझे भी लग रहा था कि ये क्यों इसे विलेनस शेड दे रहे हैं शो में। बट आई थॉट कि मे बी दे वॉन्ट टू टेक अ डिफरेंट रूट देन इन द कॉमिक्स, और यही तो शो में दिखा रहे थे ना, यही बिल्डअप कर रहे थे शो में कि जॉन वॉकर सटक गया है, एक बंदे को बेरहमी से मार भी दिया, औरों को भी मानना चाहता है। अच्छा तो एक भी काम करता वो दिखा नहीं, वो पूरी सीरीज में कुछ हीरोइक नहीं करा। बट फिनाले में एक सीन में बस 5 सेकंड में वो साइकोटिक एंग्री सुपर सोल्जर से एक हीरो बन जाता है और बक्की के साथ जोक मार रहा होता है बंदा मस्त होके बाद में। एंड ये क्यों हुआ? बैड राइटिंग, बिकॉज एंड में तो यूएस एजेंट को हीरो बनाना है ना, विलेन नहीं है वो, हीरो है। तो क्या हुआ अगर हमने 5 एपिसोड में उसका बिल्डअप विलेन की तरह किया? तो फिनाले में एक इमोशनल सीन डाल देंगे, उसे हीरो बना देंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रो दिस वॉज अ ट्विस्ट। अबे नहीं बे, दिस इज अ चूतियापा, दिस इज राइटर्स राइटिंग themselves इनटू अ कॉर्नर। फ्लैग स्मैशर्स की जो आग थी वो भी बस एमवी थी, सुपर लेम। आई जस्ट कुडंट रैप माई हेड अराउंड व्हाट दे वांटेड टू अचीव एंड द वे दे चोज टू डू इट एंड हाउ दे वर ट्रीटेड बाय आवर हीरोज। डू दैट काली गर्ल किल्ड इनोसेंट पीपल, आई डोंट केयर हाउ गुड हर गोल इज, शी इज अ क्रिमिनल। बट सैम वॉज लाइक नो आई वॉन्ट हिट हर। इस सेंस में तो थैनोस भी फिर महात्मा आदमी था, चाहता तो वो भी यूनिवर्स का भलाई था। तो क्या हुआ कि उसने उस चक्कर में आधे यूनिवर्स को उड़ा दिया? उसको तो बहुत उछल उछल के मार रहे थे सबको सब मिलके। हैं क्यों? क्योंकि वो एलियन था, हैं इतनी पार्शियलिटी। फ्लैग स्मैशर्स की आर्क तो बहुत ही बेसिक थी, मतलब स्टैंडर्ड, कुछ खास था ही नहीं उसमें, ना ज़्यादा पॉजिटिव ना ज़्यादा नेगेटिव, तो इसको डिस्कस करेंगे ही नहीं। बाय लिसनिंग टू मी रेंट यूड थिंक कि मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया शो में, बट ऐसा नहीं है। इट वॉज अ गुड शो, स्पेशली फॉर एमसीयू फैंस हु लव दीज कैरेक्टर्स, इट वॉज अ गुड शो। But I am just disappointed because it didn't reach anywhere near my level of expectations. This had the potential of being like the freaking Captain America Winter Soldier. Almost same level ka premise tha, same level ke characters the. But kahan wo Winter Soldier CBM mein masterpiece mani jati hai aur kahan ye? Achhi cheeze hain show mein, finale mein bhi jab wo maardhar wale scenes khatam ho jate hain to thode acche great heartful scenes aate hain. I also liked how they changed the title card to the Captain America and the Winter Soldier at the end. It was nice. They also build up things for the future of the MCU with US Agent and the Power Bore, I mean Broker. It was a real joy watching Sam finally take the mantle of Captain America. Thoda cringe gussa to diya tha, but theek hai yaar, it was good. Halanki mujhe abhi tak ye baat digest nahi hoti ki how could Sam give the shield back to the government. Baki theek tha bhai jab wo Sam pe gussa kar raha tha is baat ke upar. बेचारा वो बूढ़ा दादाजी स्टीव रॉजर्स पता नहीं कैसे बस में ट्रेन में धक्के खा के धीरे धीरे चल के उस बेंच पे आया होगा उस एग्जैक्ट मोमेंट पे, और इतने प्यार से सैम को वो शील्ड दी। एंड सैम ने क्या किया? पकड़ा दी वो शील्ड गवर्नमेंट को, उसी गवर्नमेंट को जिसने कैप्टन अमेरिका को क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ था। बट एनीवेज, क्या कर सकते हैं भाई, शो का प्लॉट तो बनाना है ना, चाहे वो जैसे बने। चलो यार बहुत बोल लिया, अब रेटिंग दे देते हैं। I will give the Falcon and the Winter Soldier a 4 out of 6. अब लोग बोलेंगे जब इतनी बुराइयां थी शो में तो 4 क्यों दे दिए? तो भाई अगेन, शो अच्छा है, बुरा नहीं है, इसलिए उसे 4 दिए हैं। बट मेरा MCU का फैन वाला जो दिल और दिमाग है ना, उसे बहुत सी चीज़ें चुभी हुई, इसलिए शो की थोड़ी ज़्यादा ले ली मैंने रिव्यू में। मुझे बस थोड़ी हैरानी होती है कि जहाँ नेटफ्लिक्स ने मार्वल के करेक्टर्स को लेकर इतने सही शोज बनाए थे, वहीं मार्वल अपने ही कैरेक्टर्स को लेके उस लेवल के शोज बना नहीं पा रहा है।
आई नो नेटफ्लिक्स इतनी डार्कनेस नहीं दिखा सकते डिज्नी वाले और कभी दिखाएंगे भी नहीं, बट लुक एट डेयर डेविल यार, हर लेवल पे इससे सुपीरियर शो है वो। प्लॉट ले लो, स्क्रीन प्ले ले लो, सिनेमाटोग्राफी, कोरियोग्राफी, एक्शन, डायलॉग्स, हर चीज़ भाई, बट डिज्नी प्लस वालों कुछ उससे ही नोट्स ले लो यार। अभी तो बस आई एम होपिंग कि लोकी में ऐसा ना हो, एंड आई एम होपिंग इट बिकम्स द फर्स्ट ट्रूली ग्रेट एमसीयू शो। हम तो बस होप ही कर सकते हैं ना। सो गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू स्ट्राइक दैट लाइक एंड कंसिडर टू सब्सक्राइब। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मेरे जैसे व्यूज़ हैं आपके भी इस शो के बारे में, या फिर मुझे गाली देने का मन कर रहा है। जो भी है भाई, खुल के लिखना कमेंट्स में, शर्माना मत। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।